नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में मदरसों पर उठे सवाल के बाद प्रदेश सरकार ने सख्त आदेश जारी किया था, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा SIT जांच गठित की गई थी। इन मदरसों के खुलासे में SIT ने अब तक 219 ऐसे मदरसे प्राप्त किए हैं जो फर्जी तरीके संचालित किए जा रहे थे। बताया गया है कि 219 मदरसे केवल कागजों में ही संचालित है, जिससे 38 मदरसे ऐसे जिनको आधुनिकीकरण के नाम पर सरकारी भुगतान भी मुहैया करा लिया गया था, जिसकी जाँच रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है। अब तक इस पूरे प्रकरण में मदरसों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई है। वहीं तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ तत्कालीन रजिस्ट्रार को भी दोषी ठहराया गया। 2009-2010 में आजमगढ़ मिर्जापुर में बना भौतिक सत्यापन के लिए मदरसों को मान्यता व अनुदान देने का मामला सामने आया था। 2017 में इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद SIT से जांच करने का निर्देश दिया था। अब SIT की जांच रिपोर्ट के बाद अल्पसंख्यक विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी इस भूमिका में संदिग्ध पाए गए हैं, जिसकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। अब इसे पूरे प्रकरण पर आजमगढ़ जिले में जिलाधिकारी व ADM का कहना है कि जांच रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से सुन ली गई है, अभी तक कोई आदेश उन तक नहीं आया है। इस पूरे प्रकरण का संज्ञान देते हुए पुराने मामलों में अब तक की गई कार्रवाई पर अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी का कहना है कि आजमगढ़ से जो भी रिपोर्ट शासन और SIT ने मांगी थी उन्हें सौंपी गई है, आगे जो भी आदेश होगा उस पर कार्य किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा सुनिए। आज सुबह जो है समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम लोगों को भी जानकारी हुई है कि कुल 7 लोगों पर संभवतः SIT द्वारा लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये प्रकरण जो है वर्ष 2017-18 का है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मदरसा पोर्टल जब लागू किया गया था तो उसमें जनपद स्तर से जांच करके मदरसों की जो है को लॉक या अनलॉक करना था। उसमें कुल 300 से ज़्यादा मदरसे जो है यहाँ मानक विहीन चिन्हित किए गए थे, जिनकी तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है उत्तरदायी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जो है यहाँ से जो है जाँच रिपोर्ट गई थी शासन को, जिसमें वर्ष 2020 में शासन द्वारा पूरे प्रकरण को SIT को जांच के लिए हैंडओवर कर दिया गया था। वही जांच रिपोर्ट जो है वर्ष 2022 में अभी दिसंबर में SIT ने पूरा करके रिपोर्ट जो है गृह विभाग को शासन को सौंपी है। उसी के क्रम में जैसा कि आज हम लोग समाचार पत्रों में देखे कि कुल 7 लोगों पर तत्कालीन विभागीय जो है अधिकारी कर्मचारीगण जो रहे हैं उन पर संभवतः प्राथमिकी दर्ज जो है लखनऊ में कराई गई है। गबन का मतलब यह है कि ये इसमें 2 प्रकार के मदरसे हैं, जिसमें 219 जो संख्या है वो केवल मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनको किसी प्रकार का कोई एक भी पैसा जो है सरकारी लाभ नहीं मिला है। बाकी 39 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित रहे हैं, उनमें जो है जो मानदेय गया है वही जो है इन लोगों पर जो है उत्तरदायित्व बना है कि इन लोगों की वजह से जो है मानदेय का पैसा क्या दिया गया है। कुल टोटल 219 प्लस 39 जो है उनको ऐड कर लीजिए जो आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित हैं, और 219 वो हैं जो कि बिना किसी उसके हैं, केवल मान्यता प्राप्त हैं।